मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सोकत मैदान क्षेत्र में चाय बाजार है। इस क्षेत्र में एक ही जगह पर एक दर्जन से अधिक चाय की दुकानें हैं, जहां पर 5 रुपये में मात्र घोटा चाय मिलती है। सुबह से देर रात तक इस बाजार में लोग दूर दूर से चाय पीने के लिए पहुंचते हैं। सभी दुकानदारों द्वारा चाय को घोट कर बनाया जाता है, इसलिए इस चाय का नाम घोटा चाय भी पड़ गया है। एक चाय के घान को करीब 50 मिनट तक घोटा जाता है, जिसके बाद वह ग्राहकों को दी जाती है। जब हमने इस बाजार में चाय की दुकान लगाने वाले जुबैर आलम से बात की तो उनका कहना है कि इस क्षेत्र का नाम चाय बाजार भी पड़ गया है। यहाँ पर एक दर्जन से अधिक चाय की दुकानें हैं, जहाँ पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लोग चाय पीने के लिए पहुँचते हैं। बाजार में खरीदी करने आने वाले लोग भी इसी चाय बाजार में आकर चाय पीते हैं। यहाँ पर मात्र 5 रुपये में चाय मिलती है। सौकत मैदान है, बहुत सारी दुकानें यहाँ चाय की। हाँ, यहाँ पे 9 दुकानें चाय की। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं चाय पीने? यहाँ पे आजत नगर, शिकारपुरा और अपने अमितपुरा और जैनाबाद, बादरपुर, लालबाग, बहुत दूर दूर से चाय पीती है। यहाँ 5 रुपये की चाय है। क्या नाम आपका? जुबैर आलम। यहाँ पर लगभग 10 से 11 दुकानें हैं और पूरे शहर के लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं। बहुत ही अच्छी चाय बनती है और बहुत सस्ती चाय बुरहानपुर के अंदर 5 रुपये में यहाँ मिलती है, जिससे काफी भीड़ और काफी लोग यहाँ पर चाय का आनंद लेने आते हैं। कौन सी वैरायटी रहती है चाय में? चाय में यहाँ पर घोटा चाय है और कॉफी वगैरह है और मसाला चाय है, बहुत सारी चाय, तरह तरह की चाय है। प्रकार की चाय मिल जाती है? हाँ, 5-6 प्रकार की चाय मिलती है। 11 से 15 होटल है। ये सौकत मैदान। मेरा नाम अब्दुल वसीम, समाज सेवी, बुरहानपुर।